दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसी अमेजिंग मशीन्स, वही जिनको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो दूसरे देशों में बड़े भाई धड़ल्ले से यूज की जा रही है और आज भी हम अपने पुराने और घिसे पिटे तरीकों से अपनी तरक्की तलाश रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो मशीनें। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम। दोस्तों अपने इंडिया की कार पार्किंग की हालत तो भाई आप देख ही रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्मार्ट पार्किंग सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि एक बेहद ही यूनिक और बहुत ही कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा कार पार्क कर सकती है। ये एक रोटरी टाइप पार्किंग सिस्टम है जिसमें आप एक साथ 16 कार को पार्क कर सकते हैं। जी हाँ। नंबर 4, वाटर टैंक मेकिंग मशीन। दोस्तों आपने अपनी छत पर पानी के टैंक तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये बनते कैसे? नहीं सोचा ना, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, इस मशीन के मोल्ड में सबसे पहले वाटर टैंक का रॉ मटेरियल डाला जाता है, फिर मोल्ड को पूरी तरह से पैक करके मशीन में लगे बर्नर को ऑन कर दिया जाता है और मोल्ड को रोटेट किया जाता है, और फिर थोड़े टाइम बाद इन्हें ठंडा किया जाता है और फिर मोल्ड में उस टैंक को निकाल लिया जाता है और आपका वाटर टैंक बनकर रेडी हो जाता है ना कमाल। नंबर 3, इवेंट क्लीनर। दोस्तों किसी भी गार्डन में मैरिज फंक्शन हो या बर्थडे पार्टी हो, इसके बाद पब्लिक जो होती है यार, वो कचरा जरूर कर देती, मतलब जगह को गंदा कर देती है, जिसे 4-5 दिनों में भी साफ कर पाना मुमकिन नहीं हो पाता कभी कभी। लेकिन इस इवेंट क्लीनर की हेल्प से इस मुश्किल भरे काम को सिर्फ कुछ ही घंटों में किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि इसके आगे लगी हुई है वैक्यूम ट्यूबेस, ये बड़ी तेजी से कचरे को अपने अंदर खींच लेती है और अपने बड़े से कंटेनर में उसको स्टोर कर लेती है, ताकि फिर उस कचरे को उसकी सही जगह पर डाला जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि यार, इस मशीन की जरूरत हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है और अभी तो स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है। खैर, आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। नंबर 2, टचर WB750। दोस्तों आपने पार्क में वॉकिंग ट्रैक या रोड के साइड में बने फुटपाथ पर घास उगती हुई तो देखी होगी, और ये बहुत ही अजीब सी और अच्छी भी नहीं लगती है, और देखिए इनको निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है, इसलिए इस मशीन को भी इन्वेंट किया गया है। ये मशीन पलक झपकते उस घास को निकाल देती है और साथ ही साथ ये उस ट्रैक या फुटपाथ पर लगी ब्रिक्स को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। नंबर 1, हंक क्लिंगर मशीन। दोस्तों हमारे यहाँ फुटपाथ बनाने में कितने सारे लोग लग जाते हैं, यू नो, कितना सारा टाइम भी लग जाता है, लेकिन ये जो मशीन है ना, हंक क्लिंगर, इस मशीन की हेल्प से इस काम को दो ही बंदे आराम से कर सकते हैं और टाइम भी बहुत कम लगेगा इसमें, क्योंकि एक ही टाइम पर कई सारी एक साथ ईंट उठाकर बिल्कुल सही जगह पर रख देती है और इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ मशीनें थी जिसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए और आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप इन सबसे अपडेट रहें। वैसे आप बताइए, कौन सी मशीन को देखकर आपको ऐसा लगा कि यार ये मशीन तो हमारे यहाँ होनी चाहिए, बहुत जरूरत है इसकी, उस मशीन के बारे में कमेंट बताइए। संग में वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए आपसे मिलूंगा नई वीडियो में कुछ नई चीजों के संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।